सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन राजा एडिटिंग चैनल। आज के वीडियो में आप लोगों को बहुत ही कमाल का फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। देख लीजिए आप लोग कितना कमाल का ये पिक लग रहा है। आप लोगों को कुछ इस तरह का फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप लोगों को क्या करना है कि इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहना है, एंड विदाउट स्किप के आप लोग एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। आप लोगों को बहुत ही आसानी से इस तरह का एडिटिंग सिखा दूंगा, ठीक है। और जो भी चैनल बनाया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनको दिल से थैंक यू। और जो सब्सक्राइब किए हैं वो जरूर से चेक कर लीजिएगा आप लोग बेल आइकन को ऑल पे सेट किए हैं कि नहीं, अगर नहीं किए हैं तो जरूर से ऑल पे सेट कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के, एंड आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाते हैं। तो चलिए यहाँ पे ये रहा हमारा नॉर्मल पिक, इसी को हम लोग एडिट करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको यहाँ से शेयर कर लेंगे लाइट रूम के अंदर, एंड आपको एक प्रीसेट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा एंड लाइट रूम के अंदर उसको ओपन कर लीजिएगा। कुछ इस तरह का ये प्रीसेट है, ब्लैक एंड ऑरेंज, बहुत ही कमाल का प्रीसेट है। थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, कॉपी सेटिंग पे यहाँ से क्लिक कर देंगे और उस यहाँ से कॉपी कर लेंगे और उस फोटो पे आ जाएंगे। फिर से थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ से पेस्ट सेटिंग पे क्लिक कर देंगे तो वन क्लिक में हमारा फोटो कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको फोटो को शेयर कर लेना है। चलिए यहाँ से फोटो को शेयर कर लेते हैं, एंड स्नैपशीट के अंदर फोटो को शेयर करने के बाद आपको आ जाना है टूल्स पे, एंड टूल्स पे क्लिक कर देना आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद आपको सेलेक्टिव पे क्लिक करना है, एंड क्या करना है कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करना है और यहाँ सेचुरेशन को कम करना है, थोड़ा सा ब्राइटनेस को कम कर लेते हैं यहाँ पे, एंड उसके बाद आपको खाली सेचुरेशन को कम करना है, ठीक है, हेयर पे से कुछ इस तरीके से, यानी कि जो ब्लू कलर है इसको माइनस कर लेना है। कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और इसका सेचुरेशन को पूरा जीरो कर लेंगे। चलिए यहाँ पे सेचुरेशन को इसका जीरो कर लेते हैं। बहुत ही कमाल का ये आपको एडिटिंग सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, बहुत ही कमाल का ये फोटो है। तो यहाँ पे हमारा हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फिर से टूल्स पे क्लिक कर देंगे एंड ट्यून इमेज पे आ जाएंगे, एंड अपने फिंगर को स्क्रॉल करेंगे ऊपर, एंड यहाँ सेचुरेशन को पूरा फुल कर लेंगे। अब यहाँ से राइट कर लेंगे और आ जाएंगे क्रॉस तीर पे, एंड बिग एडिट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोग ट्यून इमेज पे क्लिक करके ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है, एंड इनवर्ट पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। एंड क्या करना है कि अपने स्किन से और बैकग्राउंड से इसको रिमूव कर लेना, ओनली इसको कपड़े पे रहने देना इस इफेक्ट को, ठीक है। एंड जैसे रिमूव हो जाए उसको राइट कर लेना और बैक आ जाना है, एंड उसके बाद यहाँ से अपने पिक को शेयर कर लेना है पिक शार्ट के अंदर। और यहाँ पे आप लोग बहुत ही केयरफुली देखिएगा वीडियो को, सबसे पहले आपको टूल्स पे क्लिक करके फोटो को रिसाइज कर लेना है, ठीक है। तो आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे तो आप लोगों को पता है फोटो को रिसाइज कैसे करते हैं। तो यहाँ चलिए रिसाइज कर लेते हैं, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, इफेक्ट्स पे आ जाना है, एंड आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ब्लर का, इस पर क्लिक कर देना है और ऊपर इरेज पे आ जाना है, एंड आपको यहाँ से लास्ट में आना और बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि ब्लर इफेक्ट जो है वो बैकग्राउंड में ही रहेगा। उसके बाद यहाँ से इसको 25% कर लेना है इसके ब्लर को और राइट कर लेना है, एंड राइट करने के बाद आपको फिर से इफेक्ट्स पे आ जाना है, एंड आपको यहाँ पे आर्टिस्टिक वाला ऑप्शन पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है आर्टिस्टिक, और उसके बाद आपको ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं इनको स्क्रॉल करके आना है राइट में और फेटल वन को सिलेक्ट कर लेना है, एंड उसके बाद इस पर एक बार और टैप करेंगे और यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, एंड फेड को जीरो कर लेंगे और इरेज पर क्लिक कर देंगे ऊपर, एंड इरेज पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से इसका हार्डनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे 90% के आसपास, एंड देन आपको यहाँ से इरेज कर लेना अपने फेस से इसको, यानी कि ओनली इसको स्किन से ही रिमूव कर लेना, अपने स्किन से इसको रिमूव कर लेना है इस इफेक्ट को, बैकग्राउंड में कपड़े पे हेयर पे सब पे रहेगा। उसके बाद राइट कर लेंगे एंड फिर से आपको इफेक्ट्स पर आ जाना है, एंड आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एफ एक्स, जो लिखा होगा एफ एक्स, उस पर आ जाना है, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद एच डी आर पे क्लिक कर देंगे, फर्स्ट वाला ऑप्शन है, एंड इसको भी इरेज पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि इरेज वाला ब्रश को लेना है और यहाँ पे आपको ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेना है, ठीक है, 60% के आसपास, और अपने इस यानी कि इसको भी अपने स्किन से ही रिमूव करना है। उसके बाद यहाँ से राइट कर लेंगे और यहाँ पर आप लोग क्या करना है कि आ जाना है रीटच वाला ऑप्शन में और यहाँ पे आई कलर पे आ जाना है। जैसे आई कलर पर आप आएंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे आई कलर मिल जाएंगे,
तो आपको इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। तो फिलहाल के लिए मैं ये वाला कलर को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ एंड उसके बाद इरेज पे क्लिक करेंगे और जो एक्स्ट्रा बाहर साइड है उसको इरेज कर लेंगे और यहाँ से राइट कर लेंगे एंड 8 फोटो पे आ जाएंगे। और यहाँ पे आप लोगों को PNG मिल जाएगा सभी, यानी कि जो भी मैं PNG यूज कर रहा हूँ सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ से इसको स्क्रीन कर लेंगे और इरेज सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे एडजस्ट पे और इसका सिचुएशन को पूरा डाउन कर लेंगे और अब इरेज पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ से इसको यानी कि इसको बैकग्राउंड में ही रहने देना है, ठीक है। अपने पर्सन पे से इसको इरेज कर लेना है एंड राइट कर लेना है यहाँ से, ठीक है। एंड फिर से 8 फोटो पे आ जाना है और फिर से आपको इस वाले PNG को ऐड कर लेना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे एडजस्ट करेंगे और इरेज पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ से इरेज कर लेंगे, ठीक है। एंड राइट यानी कि राइट कर लेंगे यहाँ से और फिर से 8 फोटो पे आ जाएंगे। आपको जो भी PNG मैं यूज कर रहा हूँ सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद एडजस्ट पे आ जाएंगे, पहले इसको स्क्रीन कर लेंगे एंड उसके बाद एडजस्ट पे आ जाएंगे और यहाँ पे हुई पे क्लिक करके इसको रेड कर लेंगे, ठीक है, इस कलर को। एंड रेड करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे जूम करके लगा देंगे एंड यहाँ से डन कर लेंगे और फिर से 8 फुट पे आएंगे और इस वाले PNG को भी एड कर लेंगे एंड इसको स्क्रीन करके यहाँ पे इसको लाइट के ऊपर लगा देंगे एंड अब यहाँ से राइट कर लेंगे। और यहाँ पे अब हमको क्या करना है कि ड्रॉ टूल्स में जाकर फोटो को सेव कर लेना है, ठीक है। यहाँ से हमारा काम हो चुका है, तो चलिए यहाँ से फोटो को सेव कर लेते हैं एंड सेव करने के बाद आपको गैलरी में आ जाना है और शेयर कर लेना है यहाँ पे आप लोग स्नैपशीट के अंदर। और सबसे पहले टूल्स पे क्लिक कर देना है एंड आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है TU इमेज पे और ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे 50%, जिससे बैकग्राउंड लाइट में आ जाएगा। एंड उसके बाद एम्बियंस को भी इंक्रीज करेंगे 50%, इसको भी कर लेते हैं एंड हाईलाइट को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे और शैडो को भी इंक्रीज करेंगे, इसको भी 50% के 30% इसको कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है 50% पे, तो 30% कर लेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे आप लोगों को ब्रश पे और एक्सपोजर पे क्लिक कर लेना है, यानी कि एक्सपोजर पे क्लिक कर लेना है। और आपको ध्यान रहे यहाँ पे क्या करने का, माइनस में 0.3 करना है, देख लीजिए आप लोग माइनस में। एंड कुछ इस तरीके से अपने पिक को जूम करेंगे और आई के किनारे किनारे ऐसे कर लेंगे, जिससे जो आई ज़्यादा लाइट हो गया है यानी कि आई में ज़्यादा लाइट हो गया तो वो यहाँ से रिकवर हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आप लोग भी कर लीजिएगा। सेकेंड वाला आई में भी सेम टू सेम कर लेंगे वैसे ही। तो यहाँ पे इतना हो जाना, यानी कि इतना हो जाने के बाद आपको राइट कर लेना है और यहाँ से फोटो को शेयर कर लेना है। यहाँ से फोटो को शेयर कर लेते हैं ऑटोडेस्क स्केचबुक के अंदर। और यहाँ पे आप लोगों को शेयर करने के बाद आपको यहाँ से बहुत ही वीडियो केयरफुली देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लेयर पे यानी कि लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे और ऊपर स्क्रॉल करके आएंगे और इस वाले ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है एंड इसका सेटिंग को आप लोग देख लीजिए और इसका ब्रश का साइज को अपने फोटो के अकॉर्डिंग रखिएगा और कुछ इस तरीके से जूम करेंगे एंड आप जो यानी कि आप लोग देख लीजिए कितना हार्ड स्मूथ कर रहा है, ठीक है, ये ब्रश। तो आप लोग भी इसका यूज जरूर से कीजिए। तो चलिए स्मूथ कर लेते हैं यहाँ से फेस को पहले। एंड देन जैसे ही आपका स्मूथिंग कंप्लीट हो, यानी कि स्मूथिंग कंप्लीट हो, उसके बाद लेयर पे क्लिक करके यहाँ से एक एम्प्टी लेयर बना लेंगे और उसको नॉर्मल से सॉफ्ट लाइट कर लेंगे एंड यहाँ पे आप लोग सॉफ्ट लाइट ही कीजिएगा, ध्यान से देख लीजिए। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना लाइब्रेरी पे और यहाँ पे आपको मीडियम ब्रश को सिलेक्ट करना है, कुछ इस तरीके से ये ब्रश है एंड इसका सेटिंग को आप लोगों को क्या करना है, वैसे ही रहने देना है, इसका सेटिंग वैसे ही रहता है, ठीक है। और कलर को आप लोग पिंक सेलेक्ट करके कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद आपको इरेज वाला ब्रश पर सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे सेटिंग पे आप लोग देख लीजिए और यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सॉफ्ट स्मज यानी कि स्मज जो लिखा है यहाँ पे आप लोग क्लिक करना है, बाई डिफॉल्ट किसी और पर रहता है, ठीक है आप लोगों का। तो यहाँ पे आप लोगों को स्मज पे ही क्लिक कर लेना है, आप लोग ध्यान से इसको जरूर से क्लिक कर लीजिएगा एंड उसके बाद कुछ इस तरीके से इस ब्रश के साइज को बढ़ाएंगे और किनारे किनारे से इसको ब्रश करेंगे। तो आप लोगों को ज़्यादा अंतर नहीं लग रहा होगा, तो आप लोग वीडियो को आगे पीछे करके देखेंगे तो आप लोगों को अंतर बुझाया जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ से इसका ओपेसिटी कम करेंगे और
HSL एडजस्टमेंट में आएंगे और इसको थोड़ा सा माइनस करेंगे, यानी कि ये पिंक हो जाएगा कलर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इस लेयर को मर्ज कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करके लेयर पे, एंड जैसे मर्ज करेंगे आपको यहाँ से फोटो को शेयर कर लेना है। तो चलिए यहाँ से फोटो को शेयर कर लेते हैं स्नैपशीट के अंदर, और यहाँ पर आप लोग स्नैपशीट के अंदर फोटो को शेयर कर लेना है। और सबसे पहले आपको टूल्स पर क्लिक करना है, जैसे आप टूल्स पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर आपको टीवी इमेज पाना है, और सेम टू सेम आपको वो वैसे ही करना है पहले हमने जैसे किया था, यानी कि एम्बियंस को बढ़ाना है, हाईलाइट को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे एंड शैडो को भी थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। उसके बाद राइट पे क्लिक कर देंगे और टूल्स पे क्लिक करेंगे फिर से, और सिलेक्टिव टूल्स को लेंगे, एंड आप लोग क्या करना है कुछ इस तरीके से अपने स्किन को सिलेक्ट करना है और ब्राइटनेस को इंक्रीज करना है एंड सिचुएशन को कम करके स्ट्रक्चर को भी कम करना है, और यही प्रोसेस आपको पूरे स्किन पर करना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग वीडियो थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग कर लीजिएगा जैसे मैंने बताया, एंड जैसे आपको यह कंप्लीट हो जाए उसके बाद पोर्ट्रेट पे क्लिक करना है, टूल्स पे क्लिक करने के बाद एंड स्मूथ वन को सेलेक्ट करना है, और अपने फिंगर को ऊपर स्क्रॉल करके आई क्लियरिटी को इतना परसेंट इंक्रीज कर लेना है, एंड टूल्स पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप लोग क्लिक कर देना है वाइट बैलेंस पे, और इसका टेम्परेचर को 5% तक माइनस कर लेना है एंड राइट कर लेंगे। उसके बाद टूल्स पे क्लिक करना है और डिटेल्स पे आ जाएंगे, और शार्पनिंग को यहाँ से इंक्रीज करेंगे कुछ इतना परसेंट, 20% के आसपास, और यहाँ सब लोग यानी कि यहाँ सब राइट कर लेंगे और शेयर कर लेंगे फोटो को। तो चलिए यहाँ फोटो को शेयर कर लेते हैं टूल वीज एप्लीकेशन के अंदर, और यहाँ पे इफेक्ट पर क्लिक करेंगे, एंड जैसे आप इफेक्ट पर क्लिक कर देंगे आपको यहाँ पे सॉफ्ट स्मज पर क्लिक कर देना है, एंड जो 5 नंबर का इफेक्ट है उसको यूज कर लेंगे। मास्क पर क्लिक करेंगे, क्लीन पर क्लिक कर देंगे, जैसे आप क्लीन पर क्लिक करेंगे आपका अप्लाई वाला ऑप्शन अपने आप इनेबल हो जाएगा, उसके बाद अपने हेयर पर अप्लाई कर लीजिएगा इस इफेक्ट को। तो चलिए यहाँ से इस इफेक्ट को यूज कर लेते हैं, एंड उसके बाद आपको यहाँ से फोटो को सेव कर लेना है, और यहाँ पर आप लोगों को वीडियो को थोड़ा सा केयरफुली देखना है, ठीक है। लाइट रूम के अंदर यहाँ से फोटो को शेयर कर लेंगे, चलिए यहाँ पे पहले सेव कर लेते हैं गैलरी के अंदर, उसके बाद यहाँ से गैलरी के अंदर से लाइट रूम के अंदर शेयर कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे शेयर करते हैं, यहाँ पे लाइट रूम के अंदर शेयर कर लेंगे पिक को, आप लोग भी शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। एंड उसके बाद आपको आ जाना सबसे पहले ऑटो टूल्स पर क्लिक कर देना, लाइट रूम के अंदर आने के बाद देख लीजिए आप लोग ऑटो टूल्स पर क्लिक करना है सबसे पहले, ठीक है। एंड उसके बाद आपको आ जाना है कलर पे, और कलर पे आने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है कि वाइब्रेंस को इंक्रीज करना है, ठीक है। और मिक्स पे आ जाना है और रेड का ल्यूमिनेंस को इंक्रीज करना है, और उसके बाद आपको आ जाना है ऑरेंज पे, और यहाँ पे आप लोगों को सेचुरेशन को माइनस करना है, ठीक है, और ल्यूमिनेंस को इंक्रीज करना है, एंड हुई को भी थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, एंड यहाँ पर आप डन कर देना है, और आ जाना है इफेक्ट में, और टेक्सचर को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, यानी कि थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, और क्लियरिटी को थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, एंड उसके बाद डीएच को भी थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, और बिगनेट को माइनस जरूर से कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे बिगनेट को माइनस कर लेना, तो अब यहाँ से डन कर लेंगे। आप लोग देख लीजिए आफ्टर बिफोर फोटो का, इसलिए आप लोगों को बोल रहा था यहाँ से वीडियो को जरूर से केयरफुली देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से फोटो को सेव कर लेंगे, फाइनली हमारा फोटो यहाँ से सेव हो चुका है, फाइनली हमारा एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर से सेट कर लीजिएगा, और जो भी सब्सक्राइब किए हुए हैं वो जरूर से चेक कर लीजिएगा बेल आइकन को ऑल पे सेट किए हैं कि नहीं, अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।